ध्यान में जब बैठते हैं तब पहले तनाव आता है तो ठीक तरह से ध्यान नहीं हो पाता, और अब तक मुझे ध्यान में शरीर का एहसास गायब होने का अनुभव नहीं आया। कृपया इस पर मार्गदर्शन दें। ध्यान में जब बैठते हैं तो एक तो कि तनाव आया हेड पर, क्यों आया? क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है। नींद, अगर आप ऐसे करके नींद लाओ कैसे आएगी? लेट जाओ और ऐसे तनाव के साथ बैठो कि नींद आए, नींद आए, नींद आए, जल्दी आए, जल्दी आए, नहीं आएगी। मेडिटेशन का अर्थ है क्या? कुछ नहीं करना। तो यह समझे, पहले तो हम क्या करते हैं, हम तीसरे नेत्र पर, माथे पर कंसंट्रेट करते हैं, प्रेशर देते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ खोजने के लिए। तो वहां आपको क्या करना होता, तुम खोजो नहीं, तुम खो जाओ, तो ये तनाव निकल जाता है, यानी पर्सन हार्ट पर आ जाता है, कूली बैठता है। फिर उसने कहा है कि शरीर गायब होने का अनुभव नहीं आया। शरीर को गायब करने के लिए ध्यान नहीं करना है कभी भी। ध्यान में शरीर गायब होता है, ये सही बात है, मगर शरीर गायब करने के लिए ध्यान नहीं करना होता है। शरीर गायब हो ना हो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। शरीर गायब होना यानी शरीर का एहसास, शरीर का एहसास गायब होना। शरीर गायब हो जाए यानी दूसरों को नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। शरीर का एहसास, दूसरे लोगों को दिख रहा है आपका शरीर, मगर आपको नहीं समझ में आ रहा किधर है मेरा, मेरा हाथ किधर है, उंगली किधर है, ऐसा समझ में नहीं आता है, पूरा आप उसमें खो गए हो। मगर शरीर को गायब करने के लिए हम ध्यान नहीं करते, ये ध्यान में रखना। उल्टा कर दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखें, और ये बात समझनी है कि ध्यान क्या है। ये हमारे बॉडी में डिसिप्लिन लाने के लिए, कौन सी चीज़ कैसे प्राप्त होती है, किस अनुशासन से प्राप्त होती है, क्या कंट्रोल करके प्राप्त होती है, उसका नैक आपको आ जाए। तो फिर यहाँ ये समझ अगर आपके पास है तो ये सवाल है कि अब हम क्या करें। तो इतना ध्यान में रखें कि ध्यान को व्यवधान न बनाएं, ध्यान को व्यवधान नहीं बनाएं, वरना लोग कर रहे हैं व्यवधान और बोल रहे कर रहा हूँ ध्यान। व्यवधान यानी रुकावट, व्यवधान आया यानी रुकावट आई, व्यवधान नहीं करना है। लोग देखेंगे शरीर का एहसास गायब हो गया, ऐसी लाइट दिखी तो अब नेक्स्ट टाइम यही दिखे, नेक्स्ट टाइम ही शरीर का एहसास ना हो, अरे फिर भी यहाँ हेवी हेवी लग रहा है, सिर चकरा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फिर क्या अच्छा ध्यान नहीं हो रहा है, तो गलती हो गई। सही ढंग से देखने की कला आ जाए तो आपको ध्यान आ गया। उसमें सिर चकराए, हाथ में नमनेस आ जाए, पैर को नींद आ जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हो या ना हो, इम्पोर्टेंट है कि उसको सही ढंग से देखा क्या। पाँव को नींद आ गई थी तो उसको कैसे देखा, अरे मेरे पाँव को नींद आ गई, क्यों आ गई, मैंने तो सुना है शरीर का एहसास गायब होता है फिर भी ऐसा हुआ, तो आप ध्यान को समझ ही नहीं पाए है। तो यहाँ सही ढंग से हमें समझना है, कहीं हम लक्ष्य को भूलकर इन बातों में न उलझ जाए, लाइट दिखी कि नहीं, अमृतपान हुआ कि नहीं, वाइब्रेशन आई कि नहीं, इन बातों में हमें नहीं उलझना है। मूल लक्ष्य ध्यान में रखना है कन्विक्शन, दृढ़ता आए आप कौन हो, ध्यान का लक्ष्य है आप कौन हो, यह दृढ़ता आए। हाँ, ध्यान के पहले कुछ प्रयास किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, सही पोस्चर में बैठा जाता है, वो तैयारी है, वो ध्यान नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी के लिए प्रयास करो, मगर जैसे ही तैयारी हो गई सब छोड़ दो। नींद की तैयारी करते हो ना, तकिया रखते हो, चद्दर रखते हो, सिरहाने पर ये रखते हो, वो रखते हो, पानी का गिलास रखते हो, दूध पीते हो, सब जो करते हो करो भली, मगर एक बार वो सब कर लिया फिर छोड़ दो। अब अभी शरीर गायब हुआ कि नहीं, नींद आ गई कि नहीं, चेक मत करते रहो, चेक करोगे तो थोड़ी बहुत नींद आ रही वो भी भाग जाएगी। सरश्री जी द्वारा दिए गए इन सत्य संदेशों के साथ साथ आप सरश्री लिखित पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है
www.gethappythoughts.org। महाआसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करें।